हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो आज हमें सीखना है वो क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले बुक की जो डेफिनेशन है उसको ले लेते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे ना एंड के बजाय एन आएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। डेफिनेशन पढ़ के उतना समझ में नहीं आता जितना एग्जाम्पल की मदद से समझ में आता है। तो हम इसके लिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। तो हम ये देखेंगे कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो हम ए को बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। चेक कर लेते हैं, ए बी सी ये तीन एलिमेंट हैं ए के, और यही तीन एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आएंगे तो ए को कहा जाएगा सबसेट ऑफ बी, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये साइन होता है सबसेट को रिप्रेजेंट करने का। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आएंगे तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और ये साइन होता है सबसेट को रिप्रेजेंट करने का। एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करिए, क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते, और उसके लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे। तो अगर सबसेट है तो ये वाला साइन लगेगा, और नॉट सबसेट है तो फिर ये वाला साइन लगेगा। तो उम्मीद है कि सबसेट समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। ए को सबसेट कहेंगे बी का, कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में देख लिया है, एक और एग्जाम्पल इसके अलावा हम ले लेते हैं, और ये जो लिखा है इसे भी मैं अभी समझाऊंगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। और दूसरी तरफ बी ले लिया हमने 1, 5, 7, 3, 8, ये बी ले लिया, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है। तो हम ये देखें, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो हम ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। हम तभी कहते जब इसके सारे एलिमेंट बी के अंदर आते, ठीक है। तो सबसेट के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम इसकी काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलते हैं अगले पेज पर। लेकिन अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, ये वाली बात, ठीक है। तो वो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसे अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए कैसे। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा इफ़ ए स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा अगर वही एलिमेंट बी से भी बिलोंग करता है तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। और थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे अगर वो सारे एलिमेंट बी से भी बिलोंग करते हैं तो हम ए को बी का क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। तो ये जो साइन है ये सबसेट का साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ये साइन किसका है, इस साइन को बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। अब ये नए नए साइन है, इनको सीखना पड़ेगा और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर साइन को दिमाग में बिठा के रखिएगा। ये सबसेट का साइन हो गया, ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये भी बिलोंग्स टू का साइन हो गया, और ये किसका साइन है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो इसको दोबारा से रीड करते हैं, ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के जो एलिमेंट हैं वही बी के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
सबसेट को और अच्छे से समझने के लिए ये वाला केस भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम चेक करेंगे क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। पी क्यू आर सारे एलिमेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए को सबसेट कहा जा सकता है किसका, बी का। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। पी आर क्यू सब है, तो अब हम बी को भी ए का सबसेट कह सकते हैं। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से समझ लीजिए, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये जो मैंने साइन लगाया ना, ये नया है, ये वाला साइन नहीं है जो आपको पिछले पेज पर दिखाया था। इसका मतलब तो होता है इम्प्लाइज दैट, ठीक है। और ये जो साइन मैंने लगाया इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको, इस साइन को कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और शॉर्ट में इसको हम आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं आई डबल एफ, खाली आई एफ नहीं, वो तो इफ़ होता है, इसको बोलेंगे आई डबल एफ। फिलहाल इन साइनों के अलावा जो हमें मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब समझ जाना कि ए और बी दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या आपको वो इक्वल दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल है। इसको थोड़ा और चेंज करके, अगर एक्स सबसेट है वाई का और वाई सबसेट है एक्स का, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। उम्मीद है कि ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। चेक कर लेते हैं। मान लो कि एक सेट हमने लिया x, जिसके एलिमेंट हैं a और b, ठीक है। तो क्या x अपने आप का सबसेट होगा, देख लेते हैं। इसके साथ में एक दूसरा x भी लिख देते हैं, a और b। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बिल्कुल हैं। ये भी x है, वो भी x है। तो क्या ये सेट अपने आप का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो इस लाइन को याद रखिएगा, एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी लाइन, फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में, किसी दूसरे सेट के अंदर मिलेंगे, ये तो हो गया एम्प्टी सेट, ठीक। एक दूसरा सेट में इसके साइड में लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर है ए बी सी। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं वाला एलिमेंट है यहाँ पर, है यहाँ पर कुछ भी नहीं वाला एलिमेंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई भी हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो दो लाइनें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे बार बार सेट सबसेट सेट सबसेट ये सब चल रहा है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। चीज़ों को बार बार रिपीट कर करके देखिएगा, एक भी चीज़ समझे बगैर आगे मत बढ़ना। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में मेरे से पूछ लेना, रात को 8 बजे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और फाई भी दुनिया के जितने भी सेट होंगे, चाहे ये ए हो चाहे बी हो, ऐसा हो कुछ भी हो, जैसे 1 2 3, तो ये जो फाई है ना, सबका सबसेट होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, कोई और सेट तुम लिखोगे उसका भी होगा। आसमान के तारों का सबसेट होगा फाई, आसमान के तारों का एक सेट होता है ना, उसका सबसेट क्या होगा, फाई होगा। तुम्हारे सिर पे जो बाल हैं उनका सबसेट भी फाई होगा। फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर? उम्मीद है कि इस पेज पर बताई गई सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, एक्सरसाइज पर पहुंचने की जल्दी बिल्कुल मत करो करो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम 11th में पढ़ रहे हो। 11th में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप हर सवाल को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एक्सरसाइज हमें बड़े आराम से समझ में आएगी, बल्कि एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का जो सेट होता है, देख लो रियल नंबर का सेट क्या होता है। रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, इसके अलावा रेशनल नंबर भी आते हैं जो p / q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसके अलावा इरेशनल नंबर भी आते हैं।
इरेशनल नंबर को वैसे तो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी इलेवंथ की बुक में इनको रिप्रेजेंट किया गया है टी से। इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट किया गया इलेवंथ की बुक में। तो जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी, रेशनल भी और इरेशनल भी। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन इज़ द सबसेट ऑफ आर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर का मतलब सारे नंबर, सारे नंबर के सेट में नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारे होल नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इज़ द सबसेट ऑफ आर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्यू इज़ द सबसेट ऑफ आर? लिख सकते हैं। टी इज़ द सबसेट ऑफ आर? लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हैं ये आर के अंदर आ जाएंगे, इनके सारे एलिमेंट रियल नंबर के सेट में आ जाएंगे, इसलिए इन सबको रियल नंबर का क्या कहा जा सकता है? सबसेट कहा जा सकता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं आर इज़ द सबसेट ऑफ एन? क्या सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि होल नंबर नहीं आ सकते नेचुरल में, ना इंटीजर आ सकते। तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा? नॉट सबसेट का। इसी तरह से आर इज़ नॉट द सबसेट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं उनकी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बारे में हम एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये पूरी तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। टी का मतलब यहाँ पे क्या है? इरेशनल नंबर से। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने ये लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल। एक्स जो है वो एक रियल नंबर तो है, लेकिन एक्स रेशनल नंबर नहीं है। अब अगर एक्स रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर को हम ऐसे करके सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा से समझिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये है कि एक्स एक रियल नंबर है लेकिन एक्स रेशनल नंबर नहीं है। अब जो रेशनल नहीं है, ये पूरा रियल नंबर का सेट है, इसमें यहाँ से यहाँ तक के सब रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर जो रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो बार बार इसको समझने की कोशिश करिए। जब YouTube वीडियो देखते हैं तो साइड में कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, और एक साइड में अगर बुक हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी हमने समझ लिया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज में पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट पेज चलिए। खैर, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के कुछ इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो उनके क्या होंगे? सबसेट होंगे। ये ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर से इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो पहले इस वाले को देखो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स माइनस वन से बड़ा है और टेन से छोटा है। तो ये पूरा सेट किस में लिखा हुआ है? बिल्डर फॉर्म में। और हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें कैसे लिखेंगे। एक्स एक नेचुरल नंबर है माइनस वन से बड़ा। इस नंबर लाइन पर माइनस वन से बड़ा नेचुरल नंबर क्या दिखाई देता है? ज़ीरो। ठीक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और टेन तो लिख नहीं सकते क्योंकि टेन से छोटा हमें लेना है। तो हमने बड़े आराम से इसके जो एलिमेंट हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें, इसमें देखो क्या लिखा है, एक हल्का सा चेंज है बस। यहाँ पर एन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। तो आर आते ही यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी कि हमें माइनस वन से बड़ा और टेन से छोटा जितने भी रियल नंबर है वो सारे लिखने हैं। तो आपको अगर नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा भी याद है तो आपको पता होगा कि जैसे कि ज़ीरो और वन की बात हम करें, ज़ीरो और वन के बीच में मैं तुमसे पूछूं कितने नंबर हैं, तो अगर तुम्हें जानकारी है तो तुम कहोगे इनफाइनाइट नंबर है। ज़ीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि माइनस वन से बड़ा और टेन से छोटा रियल नंबर लिखो। माइनस वन ये रहा, टेन ये रहा। अब इसके बीच में खाली यही नंबर थोड़ा ही है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो हमने लिख ही दिए, हमें लिखने रियल नंबर। तो माइनस वन से लेकर टेन के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, उनको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? हमें 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे वहाँ तक ये सारा लिखना पड़ेगा। हम यहाँ तक कि दो और तीन के बीच के भी सारे नंबर यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरवल्स की। इंटरवल्स की फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो जब भी कोई सेट में रियल नंबर आ जाएगा
तब आप ऐसे रोस्टर फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, इंटरवल्स का। अब देखो इंटरवल्स की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूँगा, जब भी आर आ जाएगा ना किसी भी सेट के अंदर तो आप उसे इंटरवल की फॉर्म में देखिए कैसे लिखें, इस तरह से माइनस वन कॉमा टेन, बस इसको देखते ही अगली बार से तुम समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है माइनस वन से बड़े और टेन से छोटे सारे रियल नंबर, ठीक है। और देख लो एक एग्जांपल, बड़े ध्यान से समझते रहना सारे एग्जांपल्स को, क्योंकि ये चीज़ें इलेवेंथ की शुरुआत हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई तो पूरी इलेवेंथ बहुत बढ़िया चलेगी तुम्हारी। फिर से देखो क्या लिखा है, एक्स एक रियल नंबर है जो दो से बड़ा है और आठ से छोटा। अब मान लो किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि दो से बड़ा नंबर तीन चार पाँच छः सात, ये लिख दिया उसने, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जितने भी नंबर उसने लिखे हैं यहाँ पे ये तो सारे नेचुरल नंबर हैं, जबकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रियल नंबर की। तो रियल नंबर तो दो से बड़े और आठ से छोटे, दो एरा और आठ एरा, दो से बड़े और आठ से छोटे खाली यही थोड़ा ही ना, इनके बीच में भी तो हैं 3.1 3.2। तो ऐसे केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरवल्स की। तो इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ये तो है गलत। इंटरवल की फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे दो से बड़ा और आठ से छोटा, दो से बड़ा और आठ से छोटा। आ गई क्या बात समझ में। अब जब भी ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ आपको दिखाई देगा इस बुक में, कई बार इस तरह के ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे, तो उनका मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब ये है कि दो से बड़े और आठ से छोटे सारे रियल नंबर। कहीं तुम्हें ऐसे दिखाई देगा 100, 1000, तो इसका मतलब तुम सीधे समझ जाना कि 100 से बड़े और 1000 से छोटे सारे रियल नंबर, क्लियर। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल ही रही है। अभी एक चीज़ और समझो ज़रा ध्यान से, अब इसको देखो ज़रा, देखो 2 2 8 8 सारा सेम है, मिला के देख लो, बस एक चीज़ गड़बड़ है यहाँ पर, वहाँ पे खाली लेस देन का साइन है और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो अब ये जो ब्रैकेट है ना ये किस तरह से चेंज होंगे वो देखना। अब हम इन ब्रैकेट्स को ऐसे लगाएंगे 2, 8। अब जब भी हमें ऐसा ब्रैकेट दिखेगा हम समझ जाएंगे इसका मतलब ये है कि दो के बराबर और उससे बड़े और आठ से छोटे रियल नंबर, ठीक है। एक चीज़ और देखो अभी, अब ये वाला सेट देखो, ये सेट इसके जैसे ही लगेगा देखने में, किसी को तो फ़र्क ही पता नहीं चलेगा कि इस सेट में, इस सेट में और इस सेट में क्या फ़र्क है, बहुत ही मामूली मामूली से डिफरेंस है। देखो सब में यहाँ तक का तो सेम है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सब सेम है। डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इधर आ गया इक्वल टू का साइन, यहाँ पे दोनों जगह पर आ गया। तो इस वाले केस में हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ, बड़े ब्रैकेट। अब जैसे ही हम कहीं भी इस तरह का देखेंगे तो हम इसका मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि दो के इक्वल और उससे बड़े और आठ के इक्वल और उससे छोटे सारे रियल नंबर्स, ठीक है। एक और बात समझिएगा ज़रा, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये रियल नंबर्स के इंटरवल्स हैं, कैसे ये समझ ली, ये पूरी नंबर लाइन है, ठीक है। हमने कहा कि दो से बड़े और आठ से छोटे, सॉरी दो के बराबर उससे बड़े, आठ के बराबर उससे छोटे सारे रियल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये रियल नंबर का एक इंटरवल ही तो हुआ, उसके बीच का हिस्सा। इंटरवल का मतलब क्या है, वही बीच का पार्ट, जैसे तुम्हारे स्कूल में इंटरवल होता है के पूरे स्कूल के टाइम का बीच का पार्ट। तो रियल नंबर के बीच का कोई भी पार्ट है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटरवल कहा जाएगा। इंटरवल होते हैं दो तरह के, यहाँ पे मैंने साइड में लिखे हैं, अगर इस तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं तो उसका मतलब है ओपन इंटरवल, और अगर इस तरह के ब्रैकेट लगे हैं तो उसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है, जब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो जो दो नंबर आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। इंक्लूड का मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब होगा दो से बड़े और आठ से छोटे सारे नंबर। तो दो से बड़े आठ से छोटे जब नंबर लिखना शुरू करेंगे तो ना तो दो आएगा उसके अंदर ना आठ आएगा, क्योंकि दो से बड़े आएंगे और आठ से छोटे आएंगे, तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होते इंटरवल में जो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो वो नंबर भी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब क्या है, दो के इक्वल उससे बड़े और आठ के इक्वल उससे छोटे। तो जब आप शुरू करेंगे लिखना तो सबसे पहले तो आप दो लिखेंगे और जब एंड करेंगे तो एंड में क्या लिखेंगे आप, एट लिखेंगे और बीच के सारे नंबर लिखेंगे। तो समझ रहे हैं ना ओपन और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। अगर ये दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इससे बड़ा लिखना है इससे छोटा लिखना है, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल और इसके ब्रैकेट ऐसे होते हैं। और अगर दोनों इंक्लूड होंगे तो उस इंटरवल को क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल,
और उसको इस तरह के बड़े ब्रैकेट से शो किया जाता है। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। जितने भी शब्द आप आज सीख रहे हैं या आगे भी सीखेंगे वो पूरे साल भर और आगे ट्वेल्थ में भी चलेंगे। सारे शब्दों को ध्यान से दिमाग में रखिए। अगर मैं इनको पढ़ाए बगैर आपको सीधे एक्सरसाइज पे ले जाऊँ ना, तो इस तरह के वर्ड जो हैं आपके लिए हमेशा अनजान बने रहेंगे कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये क्या होता है, क्योंकि ये सारी डिटेल नहीं समझाई जाती, सीधे एक्सरसाइज करवा दी जाती है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरवल की जो कहानी है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें नंबर लाइन के कुछ डायग्राम भी देखने हैं। तो आप में से जिनको लगता हो कि मैं सीधे एक्सरसाइज पे चला जाऊं, वो वीडियो स्किप करके एक्सरसाइज पे पहुंचो, लेकिन उस बच्चे को सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो एक एक चीज़ को ढंग से देखता चलेगा, पूरा टाइम देगा वीडियो में, उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा, सब चीज़ समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। अब ये समझ लेते हैं कि जो नंबर लाइन के इंटरवल होते हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कि ओपन इंटरवल है जिसमें ना तो ए इंक्लूड है और ना बी इंक्लूड है, तो जब आप ए और बी दिखाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो मान लो तुमने ए दिखाया, ए के ऊपर सर्कल बनाओगे ऐसा और बी के ऊपर ऐसा सर्कल बनाओगे, ठीक है, और उसके बीच के हिस्से को ऐसे करके शेड कर दोगे, क्लियर। इसी तरह से अगर आपको ए और बी दोनों को इंक्लूड करके दिखाना है, तो आप यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे और दोनों के सर्कल जो है उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब क्या है कि ए से बड़ा और उसके इक्वल और बी से छोटा। तो कहने का मतलब यह है कि ए को इंक्लूड करना है, तो ए को इंक्लूड करना है तो ए को डार्क कर दिया, बी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और तीसरा, ए को इंक्लूड नहीं कर रहे लेकिन बी को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका कि ए से बड़ा लेकिन बी के इक्वल उससे छोटा, तब बी को डार्क कर दिया जाए। तो कब किसे डार्क करना है आपकी समझ में आ गया होगा। इसे हम कुछ मैथ्स का एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मान लो कि हमें ये दिया गया कि 1,3, इसको नंबर लाइन पर दिखाओ, इसको नंबर लाइन पर दिखाओ। तो ये हो गई रियल नंबर लाइन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये हो गया -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अभी 1 देखना है हमें, तो ये रहा 1, क्या 1 इंक्लूड है, बिल्कुल है, तो 1 पे बनेगा डार्क सर्कल। 3 भी इंक्लूड है तो 3 पे भी डार्क सर्कल बनेगा, ठीक है, और उसके बीच का जो रीजन है उसको ऐसे करके शेड कर दिया जाएगा। तो नंबर लाइन पे इंटरवल्स को ऐसे दिखाया जाता है। ये पूरी नंबर लाइन रियल नंबर्स की नंबर लाइन है, और हमें कैसे नंबर दिखाने थे, 1 के इक्वल उससे बड़े, 3 के इक्वल उससे छोटे, तो ऐसे करके दिखाएंगे। एक और आप एग्जांपल देख लीजिए इसको अच्छे से समझने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर दोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया सीखोगे और उतना ही डर कम लगेगा मैथ से, आगे पूरा मैथ्स बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब ये ले लिया, इसी को दोबारा से लिया लेकिन इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा और उसके इक्वल नहीं, केवल 1 से बड़ा और 3 के इक्वल और उससे छोटा। तो 1 से बड़ा जब अगर हमें दिखाना है तो इसका मतलब 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो 1 के ऊपर इस तरह का सर्कल बनेगा, 3 के बराबर और उससे छोटा, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड होगा, 3 के लिए ऐसे, और बीच वाला हिस्सा इस तरीके से कर दिया जाएगा शेड। तो समझ में आ गया, और बाकी टाइप के जो है जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में लिखा करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज किया करें, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपकी किताब भी दिखा देता हूँ एक बार कि मैं कौन से पेज पर आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ सेट्स का पेज नंबर 11, और ये आपकी किताब है। अभी हमने इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ये जो ज़रूरी है मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। वैसे जो मैं वो नोट्स दिखा रहा हूँ उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इससे बेहतर लिखा हुआ है, और ये वो डायग्राम है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाए थे। और अब हम इस किताब के अगले पेज पर पहुँच रहे हैं और दो चीज़ें और पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है ना 1.3 वो स्टार्ट होगी। दो चीज़ें अभी और क्या पढ़नी है, एक तो पावर सेट पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट। इसको पढ़ने के बाद अगर मैंने एक्सरसाइज तुम्हारे लिए भी छोड़ दी ना तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल की मदद से उसे समझ लेते हैं होता क्या है पावर सेट।
उसके लिए मैं एक सेट ए ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लूँगा मैं ए बी और सी, ठीक है। ये एक मैंने सेट ले लिया। अब मैं इसके नीचे ये लिख रहा हूँ, एक सेट लिख रहा हूँ ये, इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, और एक सेट ये लिख रहा हूँ, और एक सेट ये लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक सेट ये लिख रहा हूँ, और एक सेट ये लिख रहा हूँ। कुछ तुम्हें भी आइडिया लग रहा होगा, मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, अलग अलग लिया, और उसके बाद दो दो के पेयर में ले लिया, ए बी लिया, फिर बी सी लिया, और अब मैं क्या लेता हूँ, ए सी लेता हूँ। और कोई कमी रह गई है इसके अंदर? नहीं रह गई, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है। बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं। सबसेट की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी शुरुआत में, एक बार फिर से देख लो। ये लो, ये था सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो ए को बी का क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं तो ये सेट उसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। इसके भी सारे एलिमेंट, भले ही इसमें एक एलिमेंट है लेकिन है तो सही, इसके सारे एलिमेंट भी उसके अंदर हैं तो ये सेट भी उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके भी सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं तो ये भी उसका सबसेट, इसके भी सारे एलिमेंट उसके अंदर है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने लिख रखे हैं ये इस सेट के क्या हैं, सबसेट हैं। एक और देखो, क्या इसे, ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या इसे हम इसका सबसेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी तो सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं। और आखिरी ये फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो, अभी तो 20 मिनट ही हुई हैं। मैंने ये कहा था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये भी इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर भूल गए हो तो देखो, लो ये देखो कहाँ लिखा है, गलत पेज निकाल लिया था, ये है सही पेज। पेज नंबर 2 पर मैंने आपको ये बताया था, फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये जो लास्ट की दो मैंने आपको चीज़ें बताई थी इनका अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और फाइव भी सबका क्या होता है, सबसेट होता है। अब फोकस करो, कहने का मतलब ये है कि इस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते थे सारे मैंने लिख दिए। ये जितने भी नीचे लिखे हैं ये सब इसके क्या हैं, सबसेट हैं। अब अगर मैं इसके एक ब्रैकेट इधर लगा देता हूँ और एक ब्रैकेट इसके इधर लगा देता हूँ तो अब ये जो पूरा है ना ये इसका क्या बन चुका है, सेट बन चुका है। इन सारे सबसेट का सेट बन चुका है ये। देखो इसमें थोड़ा सा ना फोकस बनाए रखना, बार बार सेट सबसेट सेट सबसेट ये चलता रहेगा लेकिन धैर्य रखना, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो बात ये है कि इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते थे सारे हमने लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दिया। तो अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या बन चुका है, सबसेट बन चुका है। इसी सबसेट को कहा जाएगा पावर सेट। अब मैं डेफिनेशन बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना जरा। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका सेट इज कॉल्ड पावर सेट। थोड़े परेशान हो रहे होंगे आप, बार बार सेट 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 कन्फ्यूज हो रहे होंगे, कन्फ्यूजन दूर होगा, धीरे धीरे होगा। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसके नीचे मैंने बी लिख दिया, अब जरा देखो क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है। क्या ये उसका सबसेट है? है। क्या ये उसका सबसेट है? है, क्योंकि इसके भी तो सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं। और फाई, फाई तो हो गई इसका सबसेट, और बस हो गए जितने भी हो सकते थे, अलग अलग करके ले लिया, एक साथ ले लिया और फाइव ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके दोनों तरफ एक सेट का साइन लगा देता हूँ ऐसे करके। तो इस सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा पावर सेट क्या होता है। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट जो है उसको कहते हैं पावर सेट। अब मैं लिखने जा रहा हूँ डेफिनेशन। तो इस तरह से मैंने बड़ी तेज़ी से डेफिनेशन लिख दी है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, उस सेट का पावर सेट कहलाता है। और रिप्रेजेंट उसको किससे करते हैं, पी ए से। यानी कि इस सेट के आगे ना हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। ए के सारे सबसेट का जो सेट है उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए।
इसे क्या कहेंगे फिर, पावर सेट ऑफ बी कहेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पका देता हूँ तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट जो होता है उसे कहते हैं पावर सेट। क्लियर। अभी पावर सेट के बारे में एक जानकारी और दूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब जैसे हमने इसमें तीन एलिमेंट थे, इसके इतने सारे सबसेट लिखे, गिन के दिखाता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। अब मान लो किसी में चार एलिमेंट हो जाए, उसके तो पता नहीं कितने बनेंगे, और किसी में यहाँ से यहाँ तक 10 एलिमेंट हो गए, उसके कितने सबसेट बनेंगे। अब अगर मान लो हमसे किसी ने पूछ लिया कि ये जो सेट ए आप देख रहे हैं इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो मैं गिन के बता दूंगा, 1 2 3 8 एलिमेंट हैं इसके अंदर, ऐसे गिन के बता दूंगा। कोई कहेगा कि ये जो सेट बी है इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो मैं कहूँगा 4 1 2 3 4। तो छोटे मोटे वालों को तो ऐसे गिन के बता देंगे, लेकिन किसी में मान लो यहाँ पे 8 10 एलिमेंट यहाँ हुए, तो फिर जब हम उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि 100 से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो इसका एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका पता लगाने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। ये कैसे काम करता है ज़रा देखिए, इसमें तीन एलिमेंट हैं तो 2 की पावर कितनी लगेगी, 3 लगेगी, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ये 8 नहीं थे, थे। अब इधर आ जाओ ज़रा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी लगेगी, 2 लगेगी, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। क्या ये 4 नहीं है, है। तो ये फार्मूला बड़े काम का है। अगर आपको कोई सेट दिया गया है और आपको पता लगाना है कि उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप 2 की उतनी पावर लगाएंगे जितने उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। बाकी इसका जो और डिटेल है वो हम करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको बहुत सिंपल लगेगी एक्सरसाइज। आखिरी टॉपिक और समझ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब अगला टॉपिक या आखिरी टॉपिक इसे कह सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 का, और इसे 1.3 के ही टॉपिक मत समझिए, पूरी जो बुक है ना, पूरी 11th पूरी 12th सब में ये चीज़ें काम आएंगी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें हम भी हैं, हमारी धरती भी है, सूरज चांद सितारे गैलेक्सी वैलेक्सी सब है, उसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो उसी नाम से ये निकाला गया है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें सब आ जाए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले एक एग्जांपल देके इसको समझने की कोशिश करते हैं, पूरे फोकस से आखिरी टॉपिक को समझिएगा। इस एग्जांपल को देखो ज़रा, यहाँ पे एक सेट ए लिखा हुआ है, ए से लेके एफ तक उसके एलिमेंट हैं, ठीक है, और उसके नीचे तीन छोटे छोटे सेट लिखे हैं। मैंने गलती से इसको नाम ए दे दिया, ए तो ऊपर नाम दिया हुआ है, बी सी, और इसे नाम दे देता हूँ डी, ठीक है। नीचे छोटे छोटे सेट लिखे हैं, ऊपर एक बड़ा सेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या इन सारे सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं, बिल्कुल हैं। इसे आप सबसेट की तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो डी बी और सी तीनों के लिए एक इसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि डी बी और सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, इसलिए डी बी और सी के लिए एक इसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल, मैंने ले लिया, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में जितने भी नंबर तुमने आज तक देखे हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, होल नंबर के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, इंटीजर्स के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, इरेशनल के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि नेचुरल, होल, रेशनल, इरेशनल और इंटीजर सब सेट के लिए ये जो आर है ये किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो उम्मीद है कि यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा, ऐसा सेट जिसमें दिए गए सारे सेट आ जाएँ, ये नहीं कि पूरी दुनिया के ही सेट आ जाए, नहीं, जितने दे रखे हैं अगर वो सारे उसके अंदर आ रहे हैं तो हम उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 से पहले के जितनी भी चीज़ें एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं उनको समझ लिया है। लेक्चर 1 पूरा हो चुका है, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में तो वो बड़े मज़े में, बड़े आराम से समझ में हमें आएगी, ठीक है। जब तक हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कुछ कमी अगर रह जाती है ना समझते टाइम, तो वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें दूर हो जाती है।
बस ध्यान ये रखेगा कि जब भी वीडियो देखते हैं दिमाग इधर उधर ना जाए, घर में टीवी चल रहा हो या कोई चिल्ला रहा हो या कोई कुछ कर रहा हो, कहीं दिमाग नहीं जाना चाहिए, पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।